राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में, अपने अपने रोजगार में, अपने अपने व्यापार में व्यस्त होंगे। हम तो बांके बिहारी महाराज से यही कामना करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं सदा सुखी रहें, हमारे मित्र सदा सुखी रहें, उनके परिवार में खुशी आती रहें और वो ऐसे ही खुशहाल बने रहें। आज का जो वीडियो है बड़ा ही जबरदस्त है। जो आज का टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका कर्जा हो गया है और कर्जा चुक नहीं रहा है, कर्जा चुकने का कोई रास्ता नहीं बन रहा है, या जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं, या जिनका काम धंधा नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा जिनके पास, ऐसे लोग क्या करें? इतना समय नहीं कि मंत्र जाप करने बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्रों का अनुष्ठान करवाएं या कोई पूजा पाठ में समय दें, क्योंकि आज के दुनिया में किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है। हर इंसान कुछ ऐसा चाहता है, कुछ नया चाहता है कि काम उसका फटाफट हो जाए, समय ना लगे, यूं परेशानी आई और यूं ही भी चली जाए, ऐसा चाहता है इंसान, मगर ऐसा होता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी होगी। मानते हैं आप पे समय नहीं है, आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते और बड़े बड़े अनुष्ठान भी नहीं करवा सकते, मगर सुबह का जो समय होता है प्रातकाल का, ये समय ऐसा होता है कि इस समय अगर हम ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो ईश्वर हमें मना नहीं करता। ईश्वरीय शक्ति इस समय पृथ्वी के वातावरण में पूरी शक्ति के साथ व्याप्त रहती हैं, और ऐसे में मानव, ऐसे में साधक या जो कोई भी प्राणी ईश्वर से कुछ कामना करता है तो ईश्वर उसको अवश्य ही पूर्ण कर देता है। तो ज़्यादा बात को ना लंबा खींचते हुए हम सीधे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है? अगर आपको धन की समस्या है, शत्रु की समस्या है, व्यापार की समस्या है, कर्ज की समस्या है, ये एक एक काम आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। आपको सुबह 4 बजे उठना है। जिनको आदत नहीं है वो आदत डाल लें। ना आपको पूजा पाठ करनी है, ना आपको ज़्यादा माला फेरनी है, बस अपने बिस्तर पर बैठकर या चलते फिरते अपना जो भी आपका काम है उस काम को करते हो भी आप इस कार्य को कर सकते हो, और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मात्र आप 5-10 मिनट बस, और इतना समय तो आप निकाल ही लोगे। आपको पृथ्वी के बीज मंत्र का जाप करना है सिर्फ 10 मिनट, मगर करना कब है? सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में। आप उठिए, आप नहाओ या ना नहाओ, आप जैसी अवस्था हो वैसे ही अवस्था में आप इसका जाप कर सकते हैं, मात्र 10 मिनट। आपको क्या जाप करना है? लंब 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 लंब, इस तरह से आपको बस खाली जाप करना है। मन में कर लो, बोल के कर सकते हो बोल के कर लो, और हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है मंत्र। ना समझ में आए बीज मंत्र तो आप उसमें देख सकते हो, फोन नंबर चल रहा है, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। इस 10 मिनट के जाप से आप कुछ ही दिनों में देखोगे जो आपकी धन की समस्या थी वो खत्म हो रही है, जो शत्रु की समस्या थी वो खत्म हो रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा वो चलने लगेगा, किसी को धन नहीं मिल रहा वो धन आने लगेगा। इस एक मंत्र के जाप से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके अंदर एक अद्भुत आकर्षण शक्ति पैदा हो रही है। तो ये पृथ्वी का बीज मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जाप करें, बस इसका नियम यही है, सुबह 4 से 4:30 के बीच में आप इस जाप को अवश्य करें, और आप जाप करते हैं तो आपको धन की, शत्रु की, व्यापार की, कर्ज की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये अद्भुत चमत्कारी छोटा सा उपाय? इसे आप जरूर करें और लाभ लें। अपने मित्रों को भी बताएं जो समस्या से ग्रस्त हैं, उनको भी बताएं। अपने तक सीमित ना रखें कि मेरा लाभ हो जाए दूसरे का ना हो, दूसरों का भी लाभ होना चाहिए, सब सुखी रहने चाहिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वृंदावन में आप सभी के सहयोग से, आप सभी के लिए श्री बांके बिहारी की कृपा से, श्री जी की कृपा से श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हो रहा है, आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग सहयोग तो कर रहे हैं, मगर हम आपसे आशा करते हैं
आप अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर इस शुभ कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करवाएं, जिससे मंदिर का निर्माण हो जाए तो आप सभी को दर्शन लाभ मिल सके। तो आशा करता हूँ कि आप सहयोग बनाएंगे और जैसा आप सहयोग आज तक देते रहे हैं आगे भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दान देकर इस निर्माण को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई साधना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।